हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एबीबी कंपनी की 3 HP 1440 आरपीएम की मोटर को रिवाइंड करेंगे और इसकी पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों आपको हम बता देते हैं, आपको मोटर वाइंडिंग का काम आता हो या नहीं आता हो, फिर भी आप हमारी वीडियो देखकर आप मोटर वाइंडिंग का काम सीख सकते हो। तो चलिए, हमने मोटर को काट लिया है, तो हम इसको काट के इसका डिटो निकाल लिया हमने। तो हमने आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एबीबी कंपनी की मोटर है ये, 2.2 किलोवाट 3 HP और 1440 आरपीएम 36 स्लोट, और पिच इसमें हो जाएंगे हमारे 8 पिच और इसमें एक दो के सेट आएंगे। और ये हमारी सिंगल वाइंडिंग होगी और इसमें हमारा SWG यानी सिंगल वायर गेज हमारा 22 नंबर होगा और कनेक्शन इसमें हमारे डेल्टा कनेक्शन होंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पर स्टेटर साइज और डायामीटर और इसकी कोयल साइज का हम नाप निकाल लेंगे। पहले हम स्टेटर का नाप निकाल लेते हैं, तो लगभग हमारा स्टेटर इसमें आया है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा 9 सेंटीमीटर, तो हमारा 9 सेंटीमीटर इसमें हमारा स्टेटर आया है। तो हम यहाँ पर इसका स्टेटर 9 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब हम इसका डाया चेक करेंगे। तो डाया चेक करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम इसकी डाया का मतलब होता है इसकी गोलाई, तो हम गोलाई को पहले कैंची की सहायता से इसको कवर कर लेते हैं, फिर स्केल पर इसकी हम देख लेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा इसका डाया कितना है। तो हम इसको एक बार स्केल पर रख के देख लेते हैं, तो ये लगभग आ रहा है दोस्तों हमारे 10.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 10.5 सेंटीमीटर का इसका डाया हो गया। तो हमने ये 10.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लिया है। अब दोस्तों हमारी कोयल साइज, तो कोयल साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपर वायर का हम एक लेंगे और इसको 1 से 8 में गिन लेंगे। तो इस तरह से हम ये इसकी वायर को डाल के 1 से 8 पिच में डाल के इसका नाप निकाल लेंगे। और वायर का नाप आपको इसमें दोस्तों थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको कनेक्शन साइड में इसका जगह कम है, तो आपकी वाइंडिंग ढक्कन में लग सकती है। तो हमने वायर का नाप ले लिया और कैंची की सहायता इसको काट लिया है। अब हम इसको स्केल पर रख के इसका आपका नाप बता देते हैं एक बार कि यह कितने का हो गया। तो लगभग दोस्तों ये हमारे आया है 42 और ये 42.5 सेंटीमीटर का। तो हम इसकी साइज भी लिख लेते हैं 42.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी स्टेटर कोयल साइज हो जाएगी 42.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे ये पूरा डिटो निकल के कंप्लीट हो चुका है। आप फिर भी देख लीजिए एक बार डिटो। अब हम इसका सेट बना लेते हैं। तो फर्मा हमने यहाँ पर सिंपल फर्मा यूज़ कर रहे हैं, तो फर्मा हमने निकाल लिया है और अब हम इसको 85 टन से तो 8.5 बार घुमा लेंगे, जिससे हमारे 85 टन कवर हो जाएंगे। एक बार घुमाएंगे तो हमारे 10 बार चक्कर घूमेगा, तो हम इसको 8.5 बार घुमाएंगे तो हमारे 85 टन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये 85 टन कंप्लीट कर लिए। अब हम इसको धागे की सहायता से बांध लेते हैं और धागे को काट लेते हैं। इसके बाद में हमारा 2 का सेट बनाएंगे, तो इसके बाद में हम काटेंगे नहीं इसको, 1 सेट और बना लेंगे इसके पास में, इसमें भी हम 85 टन ऐड करेंगे और इसको भी हम धागे की सहायता से बांध लेते हैं। अब हम इसको काट लेते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये इस तरह से हमने ये 2 सेट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 सेट और बनाएंगे, ये हमारा सिंगल होगा, यानी 8 पिच में एक दो के सेट डलेंगे तो ये हमारा सिंगल हो जाएगा। तो इसको भी हम 85 टन डाल के इसको भी बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने टोटल इसमें 6 सिंगल के बनाने हैं और 6 डबल के बनाने हैं। टोटल इसमें सेट हो जाएंगे 12 और हमारी कोयल्स हो जाएगी 18। तो इसको भी हम धागे की सहायता से बांध लेते हैं और अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, पहला हमने डबल का बनाया है, फिर हमने सिंगल का बनाया है। तो पहले एक डबल का डालेंगे, फिर हम सिंगल का डालेंगे। इस तरह से हमें डबल सिंगल डालते रहना है। टोटल हमारे 12 सेट हो जाएंगे, जो 6 सिंगल और 6 डबल हो जाएंगे। अब आपको कोयल डालने का तरीका बता देते हैं। तो हम पहले डबल वाला सेट लेंगे और उसको हम एक कोयल को लेंगे और इसको कोई से भी एक स्लॉट में, आप स्टार्टिंग में कोई सा भी स्लॉट यूज़ कर सकते हैं। मेरी राय से आप जो आपका स्लॉट अच्छा हो, यानी कि उस टकराया हुआ नहीं हो, जिसमें कोयल आसानी से डले, उसको आप यूज़ करें, ताकि लोग उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमने ये 1 स्लॉट में कोयल डाल दी। अब हम क्या करेंगे, बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ देंगे और 7वें में हम इसको कोयल को इंस्टॉल करेंगे। तो हमने ये
छः स्लॉट बीच में खाली छोड़ दिए है और सातवें स्लॉट में हमने इंस्टॉल किए, इस वजह से ये हमारे 1 से 8 पिच में इसकी कोईल पिच हो जाएंगे। और इस पर भी हम रिप लगा लेते हैं। और आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें हमने 7 नंबर पीवीसी यूज़ किया है और रिप में भी हमने 7 नंबर पीवीसी ही यूज़ कर रहे हैं। और हम इसको पीवीसी हथौड़ी की सहायता से सेट करके नीचे बिठा लेते हैं। और अब हम सेकंड नंबर वाली कोयल को लेंगे, यानी हमारा डबल का सेट है, तो हम 1 स्लॉट बीच में खाली छोड़ देंगे और उसके बाद में इसको डाल देंगे। और इस पे भी हम रिप लगा लेते हैं। और इसके बाद में हमें आगे से भी 1 स्लॉट खाली छोड़ना है, फिलर सीरीज को डाल लेते हैं और इसके बाद में इन्हीं वायर को इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये तार डाल लिया। और तार आपको सूत सूत के थोड़े थोड़े डालने हैं, ज़्यादा तार इसमें इंस्टॉल नहीं करने, नहीं तो आपके तार में स्क्रैच लग सकता है। इस तरह से हमने ये दूसरी कॉइल भी डाल के कंप्लीट कर ली है। और इसको भी हम पीवीसी हथौड़ी की सहायता से सेट कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, हमने 1 स्लॉट आगे से छोड़ा, 1 स्लॉट पीछे से छोड़ा है, यानी कि इसमें हमारे सेट के क्रॉस आएंगे, इस वजह से हमने ये छोड़ा है खाली। अब लेंगे हम दूसरा नंबर सेट, ये हमारा सिंगल का होगा, जो 1 से 8 बीच में सिंगल की एक कॉइल है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से 1 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और फिर से हम दूसरे स्लॉट में इसको डाल लेंगे कॉइल को। और अब इसको आगे से फिर से हमें 1 स्लॉट खाली छोड़ना है और फिर से 1 से 8 पिच में आप काउंट करके भी डाल सकते हो, थोड़े थोड़े करके हमने वायर इसमें इंस्टॉल करने हैं। और फिर से हम इस पर रिप लगा लेते हैं। इस तरह से हमने ये दूसरे नंबर की कॉइल भी इंस्टॉल कर ली है। इस तरह से हमने ये दो कोयले डाल लिए। अब हम आपको तीसरी कोयल भी इसमें किस तरह से डालेंगी वो बताएंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो को यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे थोड़ी, नहीं तो पूरी मोटर गोल करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपका टाइम बहुत ख़राब होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा ज़्यादा स्पीड पर फॉरवर्ड किया है। और इसको भी हम 1 से 8 पिच में काउंट करके डालेंगे, फिर ऊपर रिप लगा देंगे। ये हमारा डबल का सेट हो गया। अब डबल का सेट का हम दूसरी वाली कॉइल डालेंगे। इस तरह से हमारी ये दूसरी नंबर वाली कॉइल भी हमने इसमें डाल ली है। और दूसरे साइड से पहले सीरीज डालेंगे और इसके बाद में हम तार को सूत के इसके अंदर थोड़े थोड़े करके डाल लेंगे। और अगर दोस्तों आपके स्लॉट में जगह न हो तो आप पहले रिप डाल के पत्ती की सहायता से ठोक ले, ताकि आपके स्लॉट में जगह हो जाएंगी और आपकी ऊपर वाले जो बचे हुए तार होंगे वो आसानी से घुस जाएंगे। अब ये हमारे फिर से सिंगल वाला सेट आ गया, यानी आप दोस्तों आपको दिख रहा होगा पहले हमने डबल का डाला, फिर सिंगल का डाला, फिर डबल का डाला और फिर हमारा ये सिंगल का डाल रहे हैं। और हम इसको जगह बनाने के लिए रिप डाल के हमने थोड़ी जगह बना ली है, ताकि हमारे इसमें वायर डालने में दिक्कत नहीं आ रही है। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट 4 सेट हमने डाल दिए इसमें। अब हम फिर से नेक्स्ट वाली कॉइल डालेंगे और इसको भी 1 से 8 पिच में ही काउंट करके डालेंगे। आप दोस्तों 1 से 8 पिच में काउंट करते जाएंगे और डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके क्रॉस बैठ जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। और जैसा आपको वीडियो लाइक किस तरह से होती है, चैनल किस तरह से सब्सक्राइब होता है, अगर आपको नहीं आता तो आपको राइट साइड में पॉपअप दिख रहा होगा,
तो पहले आप वीडियो को लाइक करें, फिर नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख के अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने पहले सीरीज डाल के बचे हुए तार डाल के हमने इस पे रिप लगा के हमने पत्ती की सहायता से ठोक लेंगे ताकि जगह हो जाएगी और अब इस पे रिप लगा देंगे। तो इस तरह से हमने ये सारी मोटर आपको सेट इसी तरह से सारे डालने हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे सेट डाल लिए है। अब हम क्या करेंगे, जो आगे से हमने तीन कोयल पहले डाली थी, इसकी हम तीसरे नंबर वाली कोयल को हम उठाएंगे, फिर दूसरे नंबर की उठाएंगे, फिर पहले नंबर की कोयल को उठाएंगे लॉक के लिए। पहले हम तीनों कोयल को लॉक के लिए उठा लेंगे और उसके बाद में हमारे जो तीन कोयले और बची, यानी एक सिंगल का बचा और एक डबल का बचा है सेट, वो सेट डालेंगे। उसके बाद में हमारी जो ये स्लॉट से जो जिस स्लॉट से हमारी ये कोयले उठा रहे, इसी स्लॉट में हम इनको वापस डाल देंगे। तो इस तरह से हमने ये लॉक की कोयले उठा लिए। अब हमारी बचे हुए कोयल को, जो हमारी बची हुई कोयले है, तो इसको भी हम सेफ्टी की सहायता से दो सेट को डाल लेंगे अंदर। थोड़े थोड़े करके वायर डालें ताकि स्क्रैच ना आए। इस तरह से हमने ये कोयल डाल ली है। अब हम आगे वाले स्लॉट में भी इसी तरह से एक स्लॉट खाली छोड़ के डाल लेंगे। अब इस पे भी हम रिप लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये दो सेट डाल के कंप्लीट कर लिए। अब हमारे जो लॉक की कोयल हमने उठाई थी, तो पहले हम एक नंबर वाली कोयल को पहले डालेंगे और जिस स्लॉट से हमने निकाली थी उसी स्लॉट में हम थोड़े थोड़े करके वायर डालेंगे। और अगर आपकी जगह ना हो तो आप इसमें पहले पीवीसी की रिप लगा के उस ऊपर से पत्ती की सहायता से ठोक के जगह बना बना के डाल सकते हो, अगर आपकी मोटर टाइट है तो। तो इस तरह से हम पहले ऊपर पीवीसी की रिप लगा लेते हैं और पत्ती की सहायता से इसको ठोक के जगह बना लेते हैं, ताकि हमारी बचे हुए तार डालने में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से हम रिप डाल लेते हैं ताकि और जगह हो जाएगी। अब हमारी ये ऊपर वाली रिप चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसको पीवीसी तोड़ की सहायता से सेट कर लेंगे वाइंडिंग को। अब हम दूसरे नंबर वाली कोयल डालेंगे। पहले हम सेट को आगे खींच के अच्छी तरह से फिर डाल देंगे, ताकि ये इस तरह से हमने ये लॉक की कोयले भी इंस्टॉल कर दी है। अब हम आपको कनेक्शन की बात करते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले हम क्या करेंगे, नॉन कनेक्शन साइड की तरफ हम सेपरेटर डाल के इसको कवर कर लेंगे, यानी हर एक फेस के बीच में हमें लेदर या फिर पीवीसी का हम शीट का सेपरेटर डाल लेंगे। अगर आपकी मोटर ढीली हो तो आप लेदर डाल सकते हो, नहीं तो आप पीवीसी शीट भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम वाइंडिंग को अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा सिंगल का सेट और डबल का सेट कौन सा है, तो इसी हिसाब से हम फिर हमें सेपरेटर डालने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर देख लिया, ये हमारा सिंगल का सेट है, तो इस पर हमने यहाँ पर सेपरेटर के लिए सेपरेटर डाल लिया है। अब हम एक तो एक सिंगल डबल के हिसाब से इसमें सेपरेटर डाल लेंगे। टोटल हमें इसमें 12 सेपरेटर इंस्टॉल करने हैं। तो इस तरह से हम आगे की तरफ सेपरेटर डाल के, चाहे तो आप टैपिंग कर सकते हो, नहीं तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है टैपिंग करने में, तो हम
अच्छी तरह से इसे एडाप्टर से डाल लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें कनेक्शन किस प्रकार से होंगे। तो आपको इसमें पहले हम कनेक्शन डायग्राम से सिखाएंगे कनेक्शन किस प्रकार से होंगे, फिर आपको इसमें हम प्रैक्टिकली बताएंगे। तो पहले हम आगे की तरफ से भी इसको, जैसे आगे की तरफ हमने सेट किया था वाइंडिंग को, इसी प्रकार से हम पीछे कनेक्शन साइड भी इसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं वाइंडिंग को। फिर हम इधर भी आपको इसमें, जैसे हमने पीछे की साइड लेदर या फिर पीवीसी का सेपरेटर लगाए थे, इसी प्रकार से हम हर एक फेस के बीच में सेपरेटर डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से पहले सेट कर लेंगे वाइंडिंग को। अब हम इसमें सेपरेटर डालेंगे हर एक फेस में, टोटल इधर भी हमें 12 सेपरेटर डालने पड़ेंगे। तो हर एक फेस में हम अलग अलग सेपरेटर डाल लेंगे, टोटल हमारे 12 सेपरेटर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम, अगर आपके सेपरेटर नहीं डल रहे तो आप पहले रिप लगा ले और रिप सॉरी आप इसमें पीवीसी शीट लगा ले और इसके बाद में आप पीवीसी शीट के साथ लेदर को डाल सकते हैं, क्योंकि लेदर टाइट वाइंडिंग में थोड़ा डालने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर, ये हमने पहला सिंगल सेट का सेपरेटर डाला, उसके बाद में आपको दो कोयले दिख रही होगी यानी डबल का डाला। अब हम फिर से आपको यहाँ पर सिंगल का डालेंगे, यानी कि ये में सिंगल डबल के इसमें सेपरेटर डालने हैं। तो इस तरह से हमने ये सेपरेटर डाल लिया और हम एक्स्ट्रा पार्ट्स को भी काट लेते हैं। अब हम चलते हैं आपको कनेक्शन डायग्राम से सिखाते हैं इसके कनेक्शन, फिर हम प्रैक्टिकली आपको करके बताएंगे। तो चलिए हम कनेक्शन डायग्राम बना लेते हैं। तो दोस्तों आपको अब इसमें हम कनेक्शन करने से पहले आपको कनेक्शन डायग्राम से सिखा देते हैं, और आपको इसमें कनेक्शन डायग्राम में जिस तरह से कनेक्शन करेंगे उसी तरह से आपको मोटर में कनेक्शन होंगे। तो आपको, आपके बहुत से कमेंट आए थे कि आप हमें राउंड शेप में कनेक्शन डायग्राम बताइए तब हमें समझ में आएगा, तो आज इस वीडियो में हम आपको राउंड शेप में बताएंगे। तो जैसे हमने मोटर में आपको 12 सेट डाले थे, इसी प्रकार से हमने इसमें भी 12 सेट अपने हमने बना दिए, आपको काउंट यहाँ पर हमने काउंट भी कर दिए। तो इसमें क्या करेंगे हम टोटल हमें 6 वायर छाटने पड़ेंगे। तो हम 6 वायर छाट लेते हैं, जैसे हम इनर के छाट लेते हैं। जैसे हमने ये छाटा एक नंबर, ये दो नंबर, आप कोई से भी छाट सकते हैं। आपके जिस तरफ से कनेक्शन बक्सा है यानी कि तार निकालने का, उस तरफ से आप ये तार छाट सकते हो। जैसे हमने ये छाट लिया, ये टोटल हमने 6 तार छाट लिए, 2, 2, 4, ये और 1, 5 और ये 6 तार हमने ये छाट लिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ से तीनों फेज को एक साथ चलाएंगे। हम चाहो तो इसको एक फेज को चला लेते हैं, पहले हम एक फेज को चला लेते हैं, फिर दो को चला लेते हैं, फिर तीन को चला लेते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें तीनों फेज को एक साथ चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पहला नंबर फेस, इसको हम पहला नंबर फेस मान लेते हैं, हमने काउंट वहाँ किया, लेकिन हम इसको पहला नंबर मान लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा इनर है और ये आउटर है, यह हमारा टॉप है और ये बॉटम है, इसको हम बॉटम मानते हैं। अंदर वाला बॉटम हो गया, तो हम क्या करेंगे बॉटम से बॉटम जोड़ देंगे। इसी प्रकार से इसको भी 1 से 4 में हम बॉटम से बॉटम जोड़ेंगे और इसको भी 1 से 4 में हम बॉटम से बॉटम जोड़ेंगे, तब हमारे टॉप बजेंगे और टॉप बजेंगे। इसको क्या करेंगे, फिर से 1 से 4 में हम टॉप से टॉप जोड़ देंगे, इसको भी 1 से 4 में हम टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे, और इसको भी हम 1 से 4 में, ये टॉप से टॉप कनेक्ट किया और इसको भी हम 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे फिर से बॉटम बच गया और इधर भी हमें 3 बॉटम पहले से बचे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से 4 में फिर से बॉटम से बॉटम, इसको भी 1 से 4 में फिर से बॉटम से बॉटम, इसको भी 1 से 4 में हम फिर से बॉटम कनेक्ट कर देंगे। ये इस तरह से हमारी इसमें कनेक्शन होंगे। अब जब हम डेल्टा बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लीडों को शॉर्ट करके इसको L1 दे देंगे और इन दोनों को लीडों को शॉर्ट करके इसको L2 दे देंगे, इन दोनों लीडों को शॉर्ट करके इसमें L3 दे देंगे, सप्लाई बना देंगे, यानी कि इसमें सप्लाई दे सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारी ये डेल्टा मोटर होगी। अगर आप चाहो तो इसमें स्टार करेंगे तो 1, 3 और ये हमारा 5 नंबर को स्टार बना सकते हैं, लेकिन हमारी ये मोटर डेल्टा कंडीशन में है तो हम इसमें इस प्रकार से डेल्टा बनाएंगे। तो अब आपको कनेक्शन डायग्राम से आई होप समझ में आ चुका होगा। तो अब आपको हम प्रैक्टिकली उस मोटर में करके बताते हैं आपको इसमें कनेक्शन। तो चलिए हम मोटर में चलते हैं। आई होप आपको कनेक्शन डायग्राम समझ में आ चुका होगा। तो अब हम आपको, जैसे हमने कनेक्शन डायग्राम में 6 तार हमने टॉप के छाटे थे, इसी प्रकार से हमने इधर भी 6 तार हमने टॉप के छाट लिए, जो हमारे बक्से के साइड से कनेक्शन को बाहर निकालने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम एक फेस के, जैसा आपको ऊपर कनेक्शन डायग्राम में दिख रहा होगा, इसी प्रकार से हमने टॉप वाला लेंगे और उसको 1 से 4 में टॉप के साथ टॉप कनेक्ट कर देंगे। दूसरा फेस का भी लेंगे, 1 से 4 में टॉप बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे। सॉरी, हमें यहाँ पर टॉप वाले हमने छड़े बाहर निकाले और बॉटम वाले को हम 1 से 4 में बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे। फिर से हमारा ये टॉप बच जाएगा
तीन हमारे फिर से टॉप आ जाएंगे, जैसा आपके डायग्राम में दिख रहा होगा। इसी प्रकार से हम एक से चार में टॉप से टॉप फिर से कनेक्ट कर देंगे। और आप ध्यान दें दोस्तों, आपको यहाँ पर डबल से सिंगल में सीरीज बनेंगी, यानी अगर आपका सेट ये डबल वाला है तो अगला वाला जो सीरीज होगी, सीरीज लेंगे या फिर हम वायर लेंगे, वो हमारा सिंगल्स वाले सेट का होना चाहिए। अगर आपके एक ही सेट से आ रहे तो आपके इसमें कनेक्शन रॉन्ग है, यानी कनेक्शन आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। अब हमारी फिर से बॉटम टोटल तीन बॉटम बच गए, और हमारे छः तीन उधर बच गए, टोटल छः बॉटम बच गए। तो इनको भी हम एक से चार में काउंट करके बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे। टोटल हमारी इसमें नौ सीरीज होगी। और इसकी पोल की बात करें तो दोस्तों, इसमें चार पोल है, क्योंकि ये हमारी 1440 आरपीएम है। तो हम एक्स्ट्रा पार्ट्स को काट लेते हैं और इस पर हम सिलीवे चढ़ा लेते हैं जो हमने पोले डाले थे। अब इनको अच्छी तरह से हम सेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिलीव को सेट कर लिए। अब डेल्टा बनाने के लिए क्या करेंगे, एक से दो को शॉर्ट करेंगे, तीन से चार को शॉर्ट करेंगे और पाँच और छः को शॉर्ट करके डेल्टा बना के बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने ये सभी को शॉर्ट करके बाहर निकाल लिया है। अब इस पर हम टेपिंग कर लेते हैं। टेपिंग चाहो तो आप कॉटन यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर धागे से टेपिंग कर रहे हैं। धागे से भी कोई दिक्कत नहीं आती टेपिंग करने में, आप चाहो तो धागे से भी टेपिंग कर सकते हो। टेपिंग आप इसमें खींच खींच के ज़्यादा भी ना करें और हिसाब से टेपिंग करें, क्योंकि आपके सेपरेटर वापस बाहर नहीं आने चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पर धागे से टेपिंग कर ली है। पीसी हथौड़े की सहायता से ठोकते हुए चले, ताकि आपकी वाइंडिंग लूज ना रहे और आपकी वाइंडिंग में अच्छी तरह से या फिर लंबे समय तक आपकी वाइंडिंग मोटर जले नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने टेपिंग करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एक्स्ट्रा धागे को काट लेते हैं। अब इसको हम सीरीज की सहायता से चेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो रिपे हमने डाली थी, इस रिपे को हम नीचे दबा लेते हैं, ताकि हमारे रोटर पर ये टिके नहीं और हमारा वाइंडिंग की या रिपे खराब हो सकती है, जिससे हमारे मोटर जल सकती है। तो हम इसको सीरीज की सहायता से चेक कर लेते हैं। पहले हम फेस टू फेस चेक करेंगे। अब हम इसका अर्थ चेक करेंगे तो हमारा अर्थ नहीं बोल रही, इसका मतलब हमारी मोटर सही है। अब हम इसमें वार्निश करेंगे। तो मोटर हमने वहाँ रख ली है और इसका वार्निश करेंगे हम डॉटर बैक का, वाइट कलर का जो वार्निश आते हैं वो वार्निश करेंगे और अच्छी तरह से उसको हम वार्निश पिला देंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।